हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर एजुकेशन। मेरा नाम है मोहित कुमार शर्मा। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ की मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। हम इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना सीखेंगे, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे, आइडेंटिटीज देखेंगे, स्पेसिफिक एंगल फाइंड आउट करेंगे और ये सम एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के एंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्रिगोनमेट्रॉन, ट्री मतलब थ्री, गोन मीन्स साइड, मेट्रॉन मीन्स मेजर, थ्री साइड की मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच में रखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे मेंशन किया है, वी कैन फाइंड हाइट, बेस, एंगल एक्सेट्रा using some mathematical techniques under the branch trigonometry. और trigonometry is the study of relationship between side and angle of a triangle. प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि trigonometry का invention कैसे हुआ है। Suppose करो आपके सामने कोई एक building है, कोई बिल्डिंग है और आप यहां पर हो और आप इसको यहां देख रहे हो और आपकी डिस्टेंस यहां है, तो वी कैन फाइंड हाइट, वी कैन फाइंड हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स अंडर द ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री की ब्रांच में हम इसकी हाइट, डिस्टेंस, एंगल्स, हम ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। हम कुछ राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। राइट एंगल ट्रायंगल में प्यारे बच्चों, एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, यानी बी इक्वल टू 90 डिग्री, और दो एंगल हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, वो हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। सपोज करो ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो ये 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से ज्यादा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लार्जेस्ट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री होगा। लार्जेस्ट एंगल के जस्ट अपोजिट, लार्जेस्ट एंगल के जस्ट अपोजिट हमारी ये यानी बी ए सी हमारी लार्जेस्ट लेंथ ऑफ ट्रायंगल कहलाएगी, यानी ए सी इज द लार्जेस्ट लेंथ
ऑफ ए ट्रायंगल कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा लार्जेस्ट साइड होगी और इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। और जिस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हम उसके अपोजिट वाली साइड देखेंगे उसको हम परपेंडिकुलर या हाइट बोलेंगे, उसको हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे। और एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, उसको बी से डिनोट करते हैं। यानी ए बी इज एडजेसेंट साइड, ऑफ एंगल ए कॉल्ड बेस, यानी इसको बी से डिनोट करते हैं। बी सी is side of opposite to angle A, A called perpendicular. Perpendicular. अभी प्यारे बच्चों हमने acute angle A के रिस्पेक्ट में हमने उसकी हाइट और एडजेसेंट साइड को देखा था। अब हम एक्यूट एंगल सी के रेस्पेक्ट में उसकी हाइट बेस और हाइपोटेनस देखेंगे। हमेशा याद रखना अपोजिट लेंथ हमेशा लार्जेस्ट लेंथ कहलाएगी और ये हमारी हाइपोटेनस होगी। अब हमारा एक्यूट एंगल सी को रेस्पेक्ट मांगते हुए इसके जस्ट अपोजिट यानी उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट साइड वाली साइड को बेस बोलते हैं। इसके लिए अब ये बेस होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आइए प्यारे बच्चों अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना सीखेंगे। उससे पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट angle triangle right triangle with respect to with respect to
एक्यूट एंगल आर्कॉइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशो रेशो प्यारे बच्चों, डेफिनेशन पे ध्यान देना। रेशो ऑफ साइड यानी हम साइड की रेशो फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल। एक किसी एक एक्यूट एंगल को रेस्पेक्ट मानते हुए हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जो रेशियो फाइंड आउट करेंगे उस रेशियो को पर्टिकुलर नेम दिए गए हैं। वन सेकेंड, बताता हूँ कैसे। आइए बच्चों, हम उन रेशियो के नेम लिख देते हैं। जैसे साइन, इसको हम शॉर्ट में साइन लिखेंगे। एक है कोसाइन, इसको हम शॉर्ट में कॉस लिखेंगे। एक है टेंजेंट, इसको शॉर्ट में टेन लिखेंगे। एक है कोसिकेंट, शॉर्ट में कॉसेक लिखेंगे। सीकेंड, सीकेंड शॉर्ट में सेक लिखेंगे। और लास्ट है कोटेंजेंट, शॉर्ट में कॉट लिखेंगे। अब हम इन्हीं शॉर्ट फॉर्म को लिखकर ही रेशियो फाइंड आउट करेंगे। हम इस पर फोकस करेंगे। अब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए। रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए। तो यहां हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और ये बेस। एक्यूट एंगल ए को ए की रेस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी सी अपॉन ए सी। सेकेंड है कॉस ए, कॉस ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए बी अपॉन ए सी। अब आया टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी सी अपॉन ए बी। सपोज करो प्यारे बच्चों, इसको इक्वेशन वन और इक्वेशन टू मान लेते हैं।
इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन की वैल्यू हमने ये लिखी, अब इसकी वैल्यू लिखते हैं अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये घूम के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मैं बताता हूँ पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इनटू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, यानी हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल, आया क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये इक्वल टू ये, तो इस ये इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं और इसको इक्वेशन बी, तो यानी इक्वेशन ए इज इक्वल टू इक्वेशन बी। इससे हमें ये प्रूफ होता है प्यारे बच्चों इससे प्रूव होता है कि टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, एक फॉर्मूला है आपको रिमाइंड रखना है। अब आ जाता है कोसेक, कोसेक कोसेक इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों वन अपॉन कोसेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ए, वन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू हम ए सी अपॉन बी सी ये लिख सकते हैं। अब दूसरा आया सीकेंड, इसको हम शॉर्ट में सेक बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि सेक ए इज इक्वल टू वन अपॉन ये होता है कॉस के, वन अपॉन कॉस हमारा क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक ए की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और एक लास्ट का और रहा है प्यारे बच्चों, जिसको हमने नाम दिया था कॉट ए, बट वन अपॉन
ए, ये 1/10 a के इक्वल होता है, यानी 10 a की हमारी क्या वैल्यू थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब मीन्स ये ऊपर चला जाएगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट हो गए विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ए। इसी तरह से अब हम एक्यूट एंगल सी के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, वो भी यही सेम प्रोसेसर है। अब ये ए बी और सी, प्यारे बच्चों अब हम एक्यूट एंगल सी के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। यहां पर एंगल बी इज द 90 डिग्री, एड इज द लार्जेस्ट एंगल एंड ए सी इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट लेंथ ऑफ दिस एंग दिस ट्रायंगल कॉल्ड हाइपोटेनियस, इसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। एक्यूट एंगल के अपोजिट यानी सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड को बेस यानी बी से डिनोट करते हैं। ये हमारे लिए बेस अब ये हो जाएगा, तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी पी अपॉन एच, पी हमारी यानी ए बी अपॉन ए सी, इक्वेशन 1। कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए सी। हमारा होता है 10 C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी यानी ए बी अपॉन बी सी। ये इक्वेशन हमारी सपोज करो थर्ड आ गई, सपोज इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो साइन सी अपॉन कॉस सी इक्वल टू आया प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये मल्टीप्लाई ओके इस तरह से लिखेंगे पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इनटू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वेशन 4 यानी इक्वेशन 4 इक्वल टू इक्वेशन 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 C इज इक्वल टू साइन सी अपॉन कॉस सी। अब हम और बाकी रेशो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉसेक
होता है 1/sin t के, वहां पर a था और यहाँ c है। c हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एक्यूट एक्यूट एंगल c के रेस्पेक्ट में रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी 1/ab/ac मीन्स ac/ab। अब आया secant c इजिकल टू 1/cos c, यानी 1/base/hypotenuse, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो आया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब आया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट सी इजिकल टू 1/tan c, और हमारा टेन सी क्या था, टेन सी हमारा AB/BC था, यानी 1/AB/BC, इसको पलट के लिख देंगे BC/AB, BC मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए ऑलवेज सेम, इसका मीनिंग क्या है पहले प्यारे बच्चों हम ये समझ लेते हैं। सपोज करो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है AB C, और हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, सपोज करो P एंड M। हम A एंड M की लेंथ की वैल्यू दे देते हैं, सपोज करो 4, एंड A टू B की वैल्यू हमारी 6। ऐसे ही P एंड M की हमारी वैल्यू सपोज करो 2 है, और ऐसे ही B और C की वैल्यू हमारी 3 है। एक्यूट एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम इनकी लेंथ का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम लेंथ हम चूज करेंगे हमारी सपोज करो परपेंडिकुलर टू बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, इन ट्रायंगल PAM में हम सपोज करो 10 A की वैल्यू हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PM/AM 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। क्वेश्चन 1, नाउ इन ट्रायंगल PAB, इसमें भी हम ए के रेस्पेक्ट मानते हुए 10 ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और बेस हमारा AB, यह 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। क्वेश्चन यानी हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यही हमें प्रूफ करना था कि कुछ भी हो जाए हमारा एंगल का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। और देखो यहां पर सेम आ रहा है रेशियो, इसी को अब हम प्रूफ करते हैं प्यारे बच्चों इन थ्योरम फॉर्म में। ये थ्योरम आप डिस्कस कर लेते हैं।
करो, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ए बी एंड सी, और बी सी के पैरेलल में हमारी एक और लाइन है जिसका नेमिंग है हमारा पी ऑन पी एंड एम, यानी पी एम पैरेलल टू बी सी। यूज सिमिलैरिटी क्राइटेरियन प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन प्रॉपर्टी। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई होगी, फिर भी मैं उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, हम एक ही साइड के स्मॉल लेंथ अपॉन बिग लेंथ का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सपोज करो हम पहले इस लेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, यानी पी एम अपॉन बी सी, ऐसे ही हमारा इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी। ये हमारी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर बच्चों अब हम तो देख लेते हैं, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पी एम अपॉन, इसको यहां लिखे जाते हैं ए पी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, यानी हम इसको ए पी को यहाँ लेके आ गए और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। और अब ध्यान करोगे प्यारे बच्चों, बी सी यानी हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसी तरह से पी एम ये भी हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा साइन कहलाएगा, ये हमारा साइन कहलाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों हम और की वैल्यू साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमने फाइंड आउट किया था वहां पर ए एम अपॉन ए बी अपॉन ए पी अपॉन ए सी एम पी अपॉन बी सी, यही फाइंड आउट किया था ना, ए पी सी पी एम ये था। अब हम पहले हमने इन दोनों में रिलेशन लिया था प्यारे बच्चों, अब हम इन दोनों में रिलेशन लेने की कोशिश करते हैं, यानी हमारा ए एम अपॉन ए पी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। देखो प्यारे बच्चों, ए एम यानी बेस और ए पी यानी हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या होगा कॉस, ये हमारा कॉस की वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन हो गई हमारी टू। इसी तरह से अब हम रिलेशन इसमें और इसमें लेंगे, यानी अभी हम यहाँ लेंगे
बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू एम पी अपॉन ए एम। देखो बी सी अपॉन ए बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा टेन ए। हमारी क्वेश्चन थ्री हो गई। अब इन्हीं क्वेश्चन से हम नेक्स्ट कोसेक कोसेक ए सेक ए कॉट ए इन सब की वैल्यू भी सिमिलर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए ऑलवेज सेम की थ्योरम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।